नमस्कार, उड़ान एस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप रावर और आज पढ़ने वाले हैं इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे भारत में चलने वाले प्रमुख सिक्के कौन कौन से थे। इस टॉपिक से निरंतर प्रश्न आ रहे हैं, इस टॉपिक को देखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु आगे बढ़ने से पूर्व हम आपको बता दें, उड़ान एस अकेडमी 9 वर्ष की निरंतरता को बनाए हुए इस बार भी CGPSC प्रारंभिक परीक्षा हेतु नवाचार के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, जहां आपको न्यूनतम शुल्क में 51 टेस्ट मिलेंगे। वहीं उन सभी प्रश्नों का आपको वीडियो विश्लेषण भी प्राप्त होगा। उड़ान एस अकेडमी ने छात्र हित को ध्यान में रखकर कुछ प्रमुख पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जो आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियोस तथा करंट आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उड़ान एस अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नवीनतम वीडियो आपको शीघ्रता से प्राप्त हो। साथ ही विभिन्न कोर्स जैसे CGPSC, प्री मेंस, ACF और IBPS की कक्षाएं ज्वाइन करने के लिए हमारे उड़ान एस अकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं भारत में सिक्के, या पहले समझते हैं सिक्कों का महत्व। तो देखिएगा, भारत में सिक्कों का इतिहास देखा जाए तो ये क्या है, एक प्रकार के ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि उस समय के शासक का नाम क्या था, समय क्या था, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, साथ ही साथ वहां पर की आर्थिक स्थिति में व्यापार और वाणिज्य की भूमिका कैसे रही होगी। तो देखिएगा, यहाँ पर जो भारतीय इतिहास में विशाल राज्य और छोटे राज्यों ने भी कई सारे सिक्के जारी किए, इन सिक्कों का इतिहास लगभग 2700 वर्ष पुराना है। यहाँ पर हमने बात कर रहे थे कि जो सिक्के जो है पिछले राज्यों, शासकों, सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक तथा धार्मिक पहलुओं को समझाने में क्या करती है, मदद करती है। अगर उसमें तारीख लिखा है तो ये निर्धारित करने में आसान हो जाता है कि वह शासक किस काल का संबंधी है। अगर उसमें तारीख लिखा हुआ है तो हम उसे पुरातात्विक आधार पर हम बता सकते हैं कि वो किस समय का सिक्का है, उसके शासक किस काल से थे और वहां का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसे थी। बात करते हैं, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और साथ ही याद रखिएगा, सिक्कों का जो भार होता है वो ग्रेन में नापा जाता है। अब 1 ग्राम में 15.43 ग्राम ग्रेन होता है, और वही देखिएगा 1 ग्रेन में हम देख सकते हैं, अगर इसको कन्वर्ट करें तो 0.0647 ग्राम होता है। वही हम बात करें कि सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, तो आप याद रखिएगा वह मुद्रा जिसका धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से क्या हो, कम हो। जैसे कि 10 रुपए या 100 रुपए का अगर नोट लेके आए तो उसका जो धातु जिसमें कागज लगा है उसका जो मूल्य है वो 50 रुपए से बहुत कम है। ऐसे ही 2500 या सिक्कों को भी ले लो, तो ये आजकल जो हम देखते हैं वो सबके सब क्या है, सांकेतिक मुद्रा है। भारत में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को चलाया था। और बात करते हैं आहत मुद्रों की, तो आहत मुद्रे याद रखिएगा धातु का टुकड़ा होता है जिस पर विशेष प्रकार का ठप्पा या पीट कर उस पर क्या लगाया जाए, किसी चीज का निशान लगाया जाए, या इसी को बोलते हैं पंच मार्क कॉइन भी कहते हैं। इसमें देखिएगा मछली, पेड़, मोर, यज्ञ वेदी, शंख, मोर, बैल और ज्यामिति त्रिज्या जैसे वर्ग, त्रिभुज, त्रिकोण, ऐसे करके क्या बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं। अब इन सिक्कों का कोई नियमित आकार या आकृति नहीं होती थी, ये राजाओं द्वारा जारी नहीं किए जाते थे बल्कि व्यापारिक समूह द्वारा जारी किए जाते थे और ये उनसे संबंधित होता था। जैसे अगर इस चित्र को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको मोर की आकृति दिखाई देगी, यहाँ भी आपको एक पक्षी की आकृति दिखाई दे रही है। विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पर आहत सिक्के दिख रहे हैं जिसकी कोई भी निश्चित आकृति नहीं है। बात करते हैं प्राचीन भारत में जो सिक्के जो चले थे उनका इतिहास कैसा था। तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिक्कों के जरिए व्यापार नहीं करते थे, वहां पर व्यापार करने के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था, अर्थात बाटल सिस्टम, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना। हमने देखा कि वैदिक ग्रंथों में निस्क और सतमान नामक दो धातुओं का उल्लेख है, जिसे इतिहासकारों ने कहा कि शायद उस समय का ये क्या हो रहा होगा, मुद्राएं रही होंगी। फिर उसके बाद हमने देखा बुद्ध युग में धातु के सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हुआ, और यहीं पर याद रखिएगा ये और सिक्के कौन से थे बुद्ध काल में, ये आहत प्रकार के ही सिक्के थे, और ये जो सिक्के थे सबसे पहले जो सिक्के बने वो चांदी के थे। तो यहां से एक प्रश्न भी बनता है कि भारत में प्रचलित पहला सिक्का कहां से है या कौन से धातु का है, तो आपको याद रखना है चांदी का था। फिर बात करते हैं हिंद यूनान के बारे में, जिन्हें हम इंडो बैक्ट्रियन या बैक्ट्रियन भी कहते हैं या इंडो ग्रीक कहते हैं, उनकी सिक्कों की विशेषता क्या रही। तो आप देखते हैं सिक्कों पर सबसे पहले शासकों का नाम उन्होंने ही लिखा, फिर सांचे में ढले हुए सिक्के इनके द्वारा ही लाए गए, सर्वप्रथम सोने के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए, साथ ही
लेख युक्त प्रथम सिक्का भी यूनानियों के द्वारा ही बनाया गया। और देखिएगा मिनांडर के सिक्कों में धर्म चक्र परिवर्तन लेख युक्त सिक्का जारी किया इन्होंने। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा धर्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध के पहले प्रवचन से। तो यहां पर याद रखें मिनांडर जिसे हम राजा मिलिंद के नाम से भी जानते हैं ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। साथ ही याद रखिएगा स्ट्रेटो सेकंड इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं, इन्होंने सबसे पहले सीसे के सिक्के चलाए। देखिए भारत मुख्य भारत में सीसे के सिक्के सबसे पहले सातवाहन शासकों ने चलाए, लेकिन अगर कहा जाए सबसे पहले किसने चलाए तो याद रखिए स्ट्रेटो सेकंड इन्होंने सीसे के सिक्के चलवाए। बात करते हैं मौर्य कालीन सिक्कों के बारे में। तो यहां पर देखिएगा राजकीय मुद्रा होती थी पर्ण, और यह क्या होता था चांदी का सिक्का होता था, और इसका भार याद रखिएगा 3/4 तोले के बराबर होता था, मतलब 7.5 ग्राम के आसपास का एक सिक्का होता था। यहां पर देखिएगा इसमें सूर्य चंद्रमा पीपल मयूर बैल सर्प आदि का क्या होता था चित्रण होता था, और ये भी कैसी सिक्के होती थी आहत प्रकार के सिक्के, मतलब अभी तक यहां पर सांचे युक्त सिक्के नहीं आए हैं। अब देखिएगा चांदी स्वर्ण चांदी और तांबे के सिक्के बने होते थे। अब यहां पर याद रखिएगा इन मुद्राओं के निम्नलिखित क्या होते थे नाम होते थे, जैसे स्वर्ण सिक्के जो होते थे निस्क और स्वर्ण कहलाते थे, चांदी के सिक्के जो इस समय होते थे वो पर्ण रुप्य धरण और सपमान होते थे, वही तांबे के सिक्के माशक एवं काकड़ी कहलाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा कर्षपण किसे कहा जाता था, तो कर्षपण जो सिक्का है चांदी और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। जैसे यहां पर देखिएगा यहां पर सूर्य, यहां पर आप देख रहे हैं पिरामिड का प्रयोग किया गया है, तो ये जो है मौर्यकालीन सिक्के का एक उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम कुषाणकालीन सिक्कों के बारे में। तो कुषाणकालीन सिक्कों की विशेषता आप देखेंगे यही से भारतीय इतिहास में नियमित सिक्का जारी करना प्रारंभ हुआ। अब इसमें सर्वाधिक तांबे और सोने के शुद्ध सिक्के यहां पर जारी हुए। देखिए सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाण के समय और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के समय आए। अब इसमें जो पहले शासक है जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस ने क्या किया था तांबे के सिक्के जारी किए जो भी रोम से प्रभावित थे, और इसमें रोमन शासक हर्मियस का चित्र अंकित था। तो याद इससे ये क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या थे रोमन के अधीन थे और रोमन से प्रभावित होकर इन्होंने सिक्के जारी किए थे। तो याद रखिएगा इन्होंने क्या किए थे तांबे के सिक्के जारी किए थे। बात करते हैं आगे विम कड़फिसेस की, या इनको कुजुल कड़फिसेस द्वितीय भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो देखिएगा यहां पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया, तो हिंद यूनान, लेकिन कुषाणों में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया, तो आपका उत्तर होगा विम कड़फिसेस। साथ ही याद रखिएगा इसी शासक ने तांबे और रजत के सिक्के भी यहां पर जारी किए। साथ ही देखिएगा विम कड़फिसेस के सिक्कों पर उत्कीर्ण पूर्णतया क्या थी भारतीय थी, उस पर देखिएगा शिव नंदी त्रिशूल की आकृति बनी होती थी। आपको यह भी याद रखना है कि विम कड़फिसेस ने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। जैसे आप अगर देखें तो ये आपको नंदी की आकृति दिख रही है, अगर आप इस चित्र को भी देखें तो ये विम कड़फिसेस का ही क्या है सिक्का है जिसमें क्या है नंदी की आकृति बनी हुई है। तो ये क्या दिखा रहा है शैव धर्म की तरफ, मतलब ये जो विदेशी हैं जो चीन से संबंधित है कुषाण वंश भारत में आके भारतीय देवताओं को इन्होंने क्या कर लिया है स्वीकार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं कनिष्क के सिक्कों में। तो कनिष्क ने बहुत संख्या में क्या किया था स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, और देखिएगा तांबे के सिक्के इनके कुछ क्षेत्रों में भी प्राप्त हुए हैं। और ये रहा कनिष्क का एक सिक्का जिसमें देखिएगा गौतम बुद्ध की आकृति आपको दिखाई दे रही। जैसे कि हम जानते हैं कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था और ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। तो याद रखिएगा बौद्ध का चित्र युक्त सिक्का किसने जारी किया है, तो कनिष्क ने जारी किया है। यहीं पर कनिष्क के उत्तराधिकारी होते हैं हुविक्स, इनके सिक्कों पर देखिएगा बहुत से स्वर्ण और ताम्र सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे, और इनका एक सिक्का जिसमें आधे शरीर की आकृति बनी हुई। तो ये एक इनका सिक्का है जिसमें क्या है आधे शरीर आपको दिखाई दे रहा है, बाकी इसमें जितने भी शासक हुए उनमें जितने भी शासकों का चित्र आपको दिखेगा उसमें पूरा दिखेगा, जबकि एक हुविस का सिक्का जो है जिसमें क्या है केवल सर और धड़ वाला हिस्सा ही दिखाई दे रहा है, पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बात करते हैं सातवाहन कालीन सिक्कों की। तो यहां पर देखिएगा अधिक मात्रा में तांबे कांसे और सीसे एवं प्रोटीन के सिक्के यहां पर इनके द्वारा जारी किए गए जो इनकी विकसित व्यवसाय एवं वाणिज्य की ओर इंगित करता है या उनको दर्शाता है। साथ ही देखिएगा सातवाहन शासकों के कुछ सिक्कों पर दो पतवार वाले जहाजों के चित्र मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि इनका जो व्यापार था समुद्री मार्ग से भी होता था। जैसे कि यहां पर आपको वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का एक सिक्का दिख रहा है जहां पर क्या दिख रहा है आपको एक जहाज दिख रहा है जहां पर दो पतवार लगे हुए हैं। तो ये देखिएगा सातवाहन शासकों में
समुद्री व्यापार को दर्शाने के लिए यहाँ पर सिक्के हमको दिखाई पड़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में। तो गुप्तकाल में जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं श्री गुप्त और उनके बाद आते हैं घटोत्कच। तो इनके द्वारा कोई मूल रूप से कोई सिक्का जारी नहीं किया गया। प्रथम सिक्का जो जारी किया जाता है इस वंश में वो जारी किया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो होता है कुमार देवी से होता है। तो याद रखिएगा ये जो सोने का सिक्का जारी करते हैं इसे राजा रानी सिक्का भी कहते हैं, जिसमें एक तरफ किनका चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र अंकित है और दूसरे तरफ याद रखिएगा कुमार देवी का चित्र। तो इसी को रानी राजा या राजा रानी सिक्का कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक ने या किस गुप्त शासक ने राजा रानी नामक सिक्का जारी किया था, तो बहुत महत्वपूर्ण है याद रखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण शासक इस वंश के जिनको भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, वह है समुद्रगुप्त। इन्होंने कई प्रकार के सिक्के जारी किए जिसमें सबसे प्रमुख सिक्का है गरुड़ सिक्का, फिर है वीणासरण सिक्का, परशु सिक्का, धनुर्धर सिक्का, अश्वमेध सिक्का और व्याघ्र शैली सिक्का। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर इनको क्या दिखाया गया है, वीणा बजाते दिखाया गया है। साथ ही देखिएगा एक में आपको क्या दिख रहा है, धनुष पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये क्या पता चल रहा है धनुर्धर सिक्का। ऐसे ही बहुत सारे इनके सिक्के हैं, जैसे अश्वमेध सिक्के में एक घोड़े का चित्र आपको दिखाई देगा, व्याघ्र में एक बाघ का चित्र, धनुर्धर में तो ये धनुर्धर सिक्का, परशु में एक हथियार धरे हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के इनके सिक्के हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है समुद्रगुप्त। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। इन्होंने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जो इस प्रकार का दिखाई देता है। याद रखिएगा इन्होंने सख शासक रुद्रसिंह तृतीय का वध किया था, जिसके बाद इन्होंने दो काम कराया था। पहला काम किया था इन्होंने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, साथ ही साथ इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। फिर उसके बाद बात करते हैं कुमारगुप्त की। तो कुमारगुप्त ने मयूर शैली का सिक्का जारी किया, जो समुद्रगुप्त का गरुड़ सिक्का था उनके स्थान पर इन्होंने मयूर शैली सिक्का चलाया। अब मयूर शैली सिक्का याद रखे किससे संबंधित है, तो शैव धर्म से संबंधित है, भगवान कार्तिकेय के क्या है ये वाहक है। फिर उसके बाद बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त ने अलग ही सिक्का चलाया और वो था वृषभ शैली का सिक्का, और मतलब ये क्या थे शैव धर्म से संबंधित। तो देखा आपने कि ये सिक्के क्या दिखा रहे हैं, उनके धार्मिक स्थिति को दिखा रहे हैं। जैसा कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर हमको क्या मिलता है गरुड़ का चित्र अंकित मिलता है, और इधर हम देखते हैं शैव धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें परिवर्तन होने वाले धार्मिक स्थिति को हम देख पा रहे हैं अच्छे से। और यहीं पर याद रखिएगा इन सिक्कों में अब क्या प्रारंभ हो चुका है, मिलावट प्रारंभ हो चुका है। अब ये सिक्कों में क्या है अशुद्धियां मिलाई जा रही हैं। तो इससे याद रखिए स्कंदगुप्त के बारे में ये या स्कंदगुप्त से संबंधित ऐसा एक प्रश्न बनता है कि वह गुप्त वंश का कौन सा शासक जिसके सिक्कों पर अशुद्धियां प्राप्त हुई हैं या मिलावट प्राप्त हुई हैं, जो इनके आर्थिक स्थिति में गिरावट साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य में गिरावट को दर्शाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा स्कंदगुप्त। बात करते हैं मध्य युग में जो सिक्के प्रचलित हुए थे उसमें। तो सबसे पहले देखिएगा जो आक्रमणकारी होते हैं पहले वो होते हैं मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय तो कोई सिक्का भारत में चला नहीं, लेकिन जो पहले होते हैं महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो हैं वो संस्कृत लेखयुक्त सिक्के जारी करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा इनके साथ जो विद्वान आए रहते हैं अलबरूनी, वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता बन जाते हैं भारत में कुछ समय अध्ययन करने के बाद, और उन्हीं से प्रभावित होकर ये क्या करते हैं संस्कृत लेखयुक्त सिक्का जारी करते हैं। फिर बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज विजय के उपरांत, तो कन्नौज विजय याद होगा आपको चंदावर का युद्ध, तो ये चंदावर का युद्ध कब होता है 1194 में, यही वो युद्ध है जिसमें वो जयचंद को हराते हैं और कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। उसी कन्नौज विजय के उपरांत में ये क्या करते हैं एक सिक्का जारी करते हैं जिसके एक ओर लिखा रहता है मोहम्मद बिन साम और दूसरी ओर क्या देखते हैं आप लक्ष्मी जी की आकृति आपको दिखाई देती है। तो ये जो मोहम्मद गौरी है तो एक ऐसा सिक्का जारी करते हैं जिसमें एक तरफ मोहम्मद बिन साम और दूसरी तरफ क्या है लक्ष्मी जी का। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये अति महत्वपूर्ण है देखिएगा, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये याद करके रखिएगा। फिर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में प्रमुख सिक्कों की। तो आप देखते हैं इल्तुतमिश दो प्रकार के सिक्के जारी करते हैं, एक चांदी का सिक्का जारी करते हैं जिसे कहा जाता है टका, और तांबे का सिक्का जारी करते हैं कौन सा जीतल। तो ये देखिएगा इनका टका सिक्का जो दिख रहा है वो इस प्रकार का था। फिर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहते थे परंतु बन नहीं पाए, और ये सपना इनसे पहले किसने देखा था याद होगा सिकंदर ने देखा था। तो उनकी उपाधि धारण करते हैं अपने सिक्कों पर, तो ये अपने सिक्कों पर उपाधि धारण करते हैं कौन से सिकंदर सानी की। तो ये देखिएगा इनके सिक्कों पर सिकंदर सानी अंकित है, इनके सिक्के कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। फिर देखते हैं आगे, तो आप देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले जो चांदी का सिक्का जारी किया था वो था अदली। अब यहीं पर वो याद रखेगा
कलमा लिखना प्रारंभ करवाते हैं। अब देखिए कलमा लिखना प्रारंभ करवाते हैं तो जो कुरान की जो प्रमुख लाइन होती है, पंक्तियां होती हैं, उसको वो क्या करते हैं, सिक्कों पर अंकित कराते हैं। तो एक प्रश्न यहां पर ये बनता है कि किस शासक ने कलमा लिखाना प्रारंभ किया, तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन एक प्रश्न और बनता है मुगल काल में कि किस शासक ने कलमा लिखाना समाप्त किया, तो है औरंगजेब। देखिएगा इन्होंने चमड़े के सिक्के भी जारी किए और प्रथम शासक जिसने सांकेतिक मुद्रा भी जारी किया था, तो इनके बारे में पहले भी बता चुका हूं, वो नहीं दोहराएंगे। फिर बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, जिन्होंने चांदी के कई सिक्के जारी किए थे, अधा, बिक और सजगिरी नामक सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया है। फिर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश की ओर लोदी में, तो ये बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलाए थे जो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में प्रमुख प्रमुख जिन्होंने सिक्के चलाए थे वो हमने देख लिए। अब बात करते हैं मुगल काल में, पहले तो सबसे पहले यहाँ की विशेषता देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित अवस्था में थी, यहाँ पर टकसाल विभाग बने हुए थे, सर्वाधिक टकसाल याद रखिएगा औरंगजेब के समय था और इस विभाग का जो प्रमुख होता था वो दरोगा टकसाल कहलाता था। अब यहां पर ये भी याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं औरंगजेब के काल में ही छापे जाते हैं, बताएंगे क्यों ये होता है। तो देखिएगा यहां पर मुख्य रूप से तीन प्रकार के धातु के सिक्के बने, सोने की मोहरे बनी, चांदी का रुपया बना और तांबे का दाम बना। देखिएगा बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक सिक्का जारी किया चांदी का, और साथ ही देखिए कंधार में बाबरी नामक सिक्का जारी किया, ये भी चांदी का ही था। फिर बात करते हैं हुमायूं के समय, तो हुमायूं के समय चलता है चमड़े का सिक्का। देखिएगा हुमायूं ने अपने पिता द्वारा चलाए गए सिक्कों को ही कंटिन्यू रखा, जैसे कि उनकी उनका सिक्का था शाहरुख और दूसरा था बाबरी, उन्हीं सिक्कों को चला रहे थे। लेकिन आपको याद होगा अब 1539 में इनका सामना होता है चौसा के युद्ध में शेर खां से, जहां पर ये पराजित हो जाते हैं और गंगा नदी में कूद जाते हैं घोड़े सहित, और उसके बाद शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं, और जब इनकी जान कौन बचाता है, निजाम नामक भिश्ती बचाता है, तो उसे एक दिन का बादशाह बनाया जाता है और उस एक दिन के बादशाह को सिक्के भी जारी करने का अधिकार दिया जाता है। तो वो सिक्का जो रहता है चमड़े का सिक्का रहता है, यही चमड़े का सिक्का हुमायूं के समय चलेगा। अब हुमायूं जो हो जाता है 1540 जो कन्नौज का युद्ध होता है जिसको हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, उसमें शेर खां से पराजित हो जाता है और भारत से बाहर चले जाता है। और इस दौरान जो है 1540 से लेकर 1555 तक भारत में सूर्य वंश का शासन रहेगा, और उस सूर्य वंश में जो 5 सालों तक शासन करेंगे 1540 से 1545 तक, वो होंगे शेरशाह सूरी। तो इन्होंने सोने के सिक्के चलाए जिसे अशरफी कहा गया, चांदी का सिक्का चलाया वो रुपया कहलाया, और तांबे का जो कहलाया वो दाम। तो भारतीय रुपया जो आज हम वर्तमान में देखते हैं वो किनके दिमाग की उपज थी, तो शेरशाह सूर्य के दिमाग के ऊपर थे। इन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाते हुए अकबर आते हैं, और अकबर इन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाकर पूर्ण करके क्या हो जाते हैं, महान कहलाते हैं। देखिएगा इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, जैसे संसब एक सिक्का था, मुहर एक सिक्का है, इलाही एक सिक्का है। तो इलाही याद रखिएगा इसमें क्या है, गोलाकार सिक्का है। वही संसब की अगर बात करें तो ये जो संसब है वो 101 तोले का है, तो ये सबसे भारी सिक्का होता था, सबसे बड़ा सिक्का होता था अब तक का चला हुआ भारत में, और याद रखिए बड़े लेन देन में काम आता था। फिर बात करते हैं चांदी के सिक्कों की, तो यहाँ पर रुपया जलाली, जलाली में आपको याद रखना है क्या होता था, एक वर्गाकार सिक्का होता था। और विशेष सिक्कों में आप याद रखिएगा इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हुए राम सीता सिक्के चलाए, जिसे हम सियाराम सिक्का भी कहते हैं, और साथ ही याद रखिएगा सूर्य चंद्रमा युक्त भी इन्होंने क्या चलाए थे, सिक्के। जैसे सियाराम आपको एक यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये सिक्के भी इन्होंने चलाए थे, अकबर द्वारा चलाया गया था। अब बढ़ते हैं जहांगीर की ओर, तो जहांगीर के बारे में आपको ये बता दें कि ये पहले मुगल शासक थे जिन्होंने अपने चेहरा युक्त सिक्के जारी किए थे, तो पहले शासक जिसने अपना चेहरा अपने सिक्कों पर लगवाया। और याद रखिएगा इन्होंने नूर जहां का चेहरा, जो इनकी वाइफ थी, 1611 में इनका विवाह होता है, जो प्रशासन में काफी ज्यादा रुचि रहती है, और इन्होंने एक जुंटा गुट भी बनाया था जिसका प्रभाव मुगल साम्राज्य में रहता है। और इन्हें शराब का प्याला लिए हुए भी सिक्का जारी किया था, क्यों याद होगा ये बचपन से ही क्या थे, विलासी किस्म के थे, लेकिन जैसे ही शासक बनते हैं तो इनमें बहुत सारा परिवर्तन आता है, और मुगल काल में सर्वाधिक न्यायप्रिय शासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। फिर इनका जो सिक्का है वो याद रखेगा निसार सिक्का, जो इन्होंने चांदी
का बनाया था। तो इसमें अगर याद रखिएगा, चांदी का सिक्का इन्होंने कौन सा बनाया, निसार, तो जहांगीर में निसार सिक्का। तो आर से आप आर याद रखिएगा, यहाँ लास्ट में क्या है, जहांगीर में आर है और यहाँ भी क्या है, आर। फिर देखिएगा आना सिक्का तांबे का बना हुआ था जो शाहजहां के समय था। फिर बात करते हैं औरंगजेब में, तो औरंगजेब ने क्या किया था, सर्वाधिक सिक्के की ढलवाई कराई थी। क्यों ढलाई कराई थी, तो आपको याद होगा शाहजहां जब गद्दी पर होते हैं तो बहुत सारे भवनों का निर्माण कराते हैं, ताजमहल, लाल किला, फिर उसके बाद मयूर सिंहासन भी बनवाते हैं। तो इस दौरान जो होता है, जो पूरा राजकोष होता है वो खाली हो जाता है, तो औरंगजेब जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा सिक्के जो होते हैं उनकी ढलाई करवाते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, तो इन्होंने क्या किया था, सिक्कों पर कलमा लिखाना समाप्त कर दिया। और याद रखिएगा सिक्कों पर कलमा लिखाने के बाद इन्होंने क्या किया था, मीर अब्दुल बाकी शहबाई की रचित कुछ पंक्तियों को सिक्कों पर अंकित कराने लगे। तो ये प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि कलमा समाप्त कराने के बाद इन्होंने किनकी पंक्ति को कलमा के जगह स्थान दी थी, तो याद रखिएगा मीर अब्दुल बाकी शाहबाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए, आने वाले बहुत सी परीक्षा में यहां से आपको प्रश्न दिखाई देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।